श्री नारायण सेवा संस्था द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में कृत्रिम अंग वितरण का शिविर लगाया गया। यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जैन की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल की माताजी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शहर विधायक के पिता स्वर्गीय हरिश्चंद्र जैन की स्मृति में आयोजित यह कृत्रिम अंग वितरण शिविर दूसरी बार लगाया गया है। इस दौरान उनकी माता श्रीमती संतरा देवी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल, राजेश सिंघल, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और सभापति अशोक खन्ना मौजूद रहे। संस्था से जुड़े प्रदेश प्रमुख रामस्वरूप वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा यह प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यहां कृत्रिम अंगों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और अन्य अंग विहीन जिनके हाथ या पैर किसी दुर्घटना में कट गए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और पिछले शिविर में जिन लोगों के कृत्रिम अंगों के लिए नाप लिया गया था, उन्हें भी आज सौंप दिए गए हैं। आदरणीय आर एस वर्मा साहब के सानिध्य में कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाजी मानव सेवक प्रशांत भैया के सानिध्य में ये कैंप आयोजित हो रहा है। जैसे कितने कैंप लगे और किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं? यहाँ पर 14 कैंप लग चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं बेहतर रहती है। दिव्यांग भाई बहनों की सुविधा मिले, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। चाहे कृत्रिम उपकरण बंटे, चाहे कृत्रिम अंग बंटे, चाहे उनके दिव्यांग शादी हो, चाहे उनको टैलेंट शो हो या फिर फैशन शो हो या अवार्ड फंक्शन हो, सभी के में संस्थान बढ़ चढ़ कर काम लेती है, जिसमें आदरणीय श्री आर एस वर्मा साहब इस राजस्थान से पहले नंबर पे संस्थान का कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में गौरवान्वित है। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से अंगविहीन भाई बहनों के लिए, जिन्होंने पूर्व में अपना कटे हुए हाथ पैर का नाप दिया था, उनके कृत्रिम अंग वितरण किए जाएंगे। नारायण सेवा संस्था ने पूर्व में 13 कैंप आयोजित किए हैं, जो अलवर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए हैं। नारायण सेवा संस्थान का प्रयास ये है कि जो भी दुखी ऐसा है लोग या दिव्यांग भाई बहन जो हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए संस्थान का पूरा प्रयास ये रहता है कि वह वहाँ तक पहुँचें जिनको आवश्यकता है।